हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस ब्लॉग में देखेंगे, हम लोग गए थे घूमने उज्जैन महाकालेश्वर। हमने वहाँ पे 2 दिन बिताया। हमने क्या क्या किया मैं आपको इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताऊंगी, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोग जाने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल जाइए। हम यहाँ से घर से निकल चुके थे स्टेशन के ओर और हमने ट्रेन पकड़ ली थी। हमारी ट्रेन थी रात की और हम सुबह तक 6 बजे तक पहुँच गए थे। और सुबह का जो नज़ारा था क्या ही बताऊँ, एकदम लाजवाब। फिर हम लोगों ने लिया होटल। होटल भी ज़्यादा महंगे नहीं थे, 1500 से 2000 में आपको बहुत ही अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास रूम मिल जाएगा। और यहाँ से मंदिर हम पैदल ही गए थे, कोई हमने टोटो ऑटो कुछ नहीं लिया था। बहुत ही पास हमने होटल लिया था और उगता हुआ सूरज को देख के तो मन बहुत ही अच्छा हो गया। फिर हमने नहा धो लिए, फिर 9 बजे के आसपास हम निकल गए सुबह की आरती के लिए। यहाँ पर रियांश के पापा, मैं और रियांश तीनों लोगों ने ही हमने महाकाल का एक ऊपर हमने लगाया सिंदूर से, जो भी बोलते हैं मुझे इसको नहीं पता, चंदन और सिंदूर से। बहुत ही अच्छा लगा। और इतनी भीड़ नहीं थी इस टाइम पर। हम लोग गए थे अभी अक्टूबर के 9 तारीख को। तो देखिए यहाँ पे रियांश भी कितना प्यारा लग रहा है। और हमने फिर ली पूजा की थाली और प्रसाद लिया, फिर हम लोग मंदिर चले गए। हमें दर्शन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, आधे घंटे के अंदर हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और ये देखिए मार्केट, मार्केट में जाते ही कितना अच्छा एक सुकून मिल रहा था। फिर हम गए अंदर, हमने जूता जमा करा दिया, फ़ोन जमा करा दिया, ये सब अलाउड नहीं है वहाँ पर, फ़ोन तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और यहाँ पे मार्केट में जाते जाते बस इतना लग रहा था कब बाबा के दर्शन हो, कब हम मंदिर पहुँचे। एक बार मंदिर में जाने के बाद दिल को इतना सुकून मिल रहा था, हम क्या ही बोले। जिन जिन को भी जाना है आप लोग जाइए, दर्शन करिए, मन को बहुत ही शांति मिलती है। और ट्रेन की टिकट भी ज़्यादा नहीं है, आप 5000 में 2 लोगों का आराम से घूमना फिरना हो सकता है। और खाना पीना भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपये में थाली पूरी अच्छी सी मिल जाती है, आप पेट भर के खा सकते हो। यहाँ पर देखिए हम मंदिर से बाहर आ चुके थे पूजा करके, और रियांश वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। फ़ोन अलाउड ना होने के कारण मैं अंदर का कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम गए काल भैरव के मंदिर। ये माना जाता है कि अगर आप महाकालेश्वर जाते हो तो काल भैरव के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, वरना आपकी जो पूजा है वो अधूरी रहती है। और हम पहुँच चुके थे काल भैरव के मंदिर, सिर्फ 50 रुपये लिया था ऑटो वाले ने। फिर हमें काल भैरव के मंदिर छोड़ दिया और यहाँ पर डुकू सो गया। फिर हमने यहाँ पर ली प्रसाद की थाली दोबारा, और यहाँ पर दारू चढ़ती है तो वो आपका ऑप्शनल है, आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, हमने तो ली थी। जब इतना दूर हम मंदिर में आए ही थे, जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो भगवान को चढ़ाना ही था, दर्शन करना ही था। और काल भैरव के मंदिर हम देखते ही देखते लाइन में खड़े लग के पहुँच गए। बस यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पर हमें 2 से 2.5 घंटे लग गए थे, जबकि महाकालेश्वर में हमें सिर्फ आधा घंटे में ही दर्शन हो गया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर फ़ोन अलाउड था। और ये जो आप दिया देख रहे हैं ये शाम को जलाया जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है मंदिर में। और हमने फिर किया दर्शन और मन को बहुत ही सुकून मिलता है। भगवान की कृपा से इस साल हमने 4 जगह पे मंदिरों में घूम लिया। इससे पहले भी हम दिल्ली में कई मंदिरों में घूम चुके हैं। और आप लोगों को मेरा व्लॉग देखना कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। हम आगे भी कोई से भी मंदिर जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बोलेंगे। ये देखिए दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। फिर हमने कर लिया अच्छे से दर्शन, फिर हम लोग आ गए बाहर। बाहर आने के बाद हम होटल चले गए थे क्योंकि शाम को आना था कॉरिडोर घूमने। यहाँ का काल भैरव की जो मंदिर है वहाँ का कॉरिडोर देखने लायक होता है एकदम, नज़रें तो हटती नहीं है किसी चीज़ों के ऊपर से, इतना सुंदर बना रखा है। दोस्तों अगर आप लोग घूमना फिरना पसंद करते हो, नहीं करते हो, प्लीज़ एक बार यहाँ पर आके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। फिर हम लोग गए कुछ ख़रीदारी करने के लिए, हमने 2-4 दुकान घूमे फिरे, फिर हमें अच्छा लगा तो हमने एक मूर्ति खरीदी थी भगवान महाकाल की। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से एक मूर्ति लेकर आते हैं बड़ी सी, वो हम अपने दुकान में लगाते हैं। और ये देखिए नज़ारा दूर से ही मतलब मुँह से निकल रहा था हाय, ये जगह इतनी प्यारी है, वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ सिर्फ 10 बजे तक अलाउड है रात के,
और आप भीड़ देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर आने के बाद रियांश के पापा और मैं दोनों लोग खुश हो गए थे, और यहाँ पर जो लोग थे सारे वो बस फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे, घूमने में लगे हुए थे। इतना सुंदर नज़ारा है क्या ही बोलूँ। हमने बस फ़ोन में अपने आँखों में अपने दिल में ये सब जगह यादें कैद कर लिए। देख सकते हैं यहाँ पर भोलेनाथ की तस्वीर, उसके बाद सॉरी मूर्ति, हनुमान जी की, गणपति बप्पा की, सारे भगवानों की, और बाकी 9 देवता भी अलग अलग थे महाशिव जी के आसपास, नारायण, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ये देखिए एकदम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाए, हमने बहुत घूमा। फिर 9:30 बजे तक हम यहाँ से निकल चुके थे अपने होटल की, और फिर हम लोगों ने खाना वाना खाए और सो गए। फिर अगले दिन हमारे पास थोड़ा और टाइम था तो हमने दोबारा दर्शन किया, यानी हम काल भैरव के मंदिर आकर और कालेश्वर महाराज के दर्शन हमने 2 बार किए थे। और रियांश जो है मेरे गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। देखिए कितना सुंदर है ना, मतलब क्या ही बोलूँ। आप लोग प्लीज़ जाइए और एक बार दर्शन ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, बड़ा है काफ़ी ये जो तालाब है, इसके ऊपर से कोई ब्रिज बन रही है शायद उस पार जाने के लिए। और फिर यहाँ हम आ गए भारत माता के मंदिर। ये जो सब आप देख रहे हैं ये एक ही जगह पे है। अगर आप लोग उज्जैन आएंगे और कालेश्वर के मंदिर आएंगे तो एक ही जगह पे आपको काफ़ी सारी मंदिरें मिल जाएंगी देखने के लिए। आप लोग 2 दिन का अगर टूर बनाएंगे या 1 दिन का भी बनाएंगे तब भी आप लोग आराम से बहुत जगह घूम सकते हैं, और आपका 1 दिन घूमना भी काफ़ी हो जाएगा। आप लोगों को 7-8 दिन के लिए आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम आए इस दुकान